दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप में अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को लॉक कैसे करें। आप जिस जिस से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को हाइड करना चाहते हैं या जिस जिस को अपनी प्रोफाइल फ़ोटो दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब किस प्रकार कर सकते हो। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को लॉक करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल वाला आइकन है उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में जाना है। तो चलिए, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर देता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई देंगे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डाटा, हेल्प। तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको प्राइवेसी में जाना है। तो चलिए, मैं प्राइवेसी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को लॉक कर सकते हो। अगर आप एवरीवन पे क्लिक करते हो तो हर कोई आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को देख सकता है। आपने जिसका नंबर सेव नहीं किया है वो भी आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को देख सकता है। और अगर आप माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो केवल वही बंदा आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को देख सकता है जिसका नंबर आपने सेव किया है। अगर आप नोबॉडी पे क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को कोई भी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है कि आप किस किस से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को हाइड करना चाहते हैं और किस किस को अपनी प्रोफाइल फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, आप इसी प्रकार अपना लास्ट सीन भी हाइड कर सकते हो। लास्ट सीन को हाइड करने के लिए सेम यही प्रोसेस होगा। अगर आप एवरीवन पे क्लिक करते हो तो हर कोई आपका लास्ट सीन देख सकता है। अगर आप माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो केवल वही आपका लास्ट सीन देख सकता है जिसका नंबर आपने सेव किया है। और अगर आप नोबॉडी पे क्लिक करते हो तो आपका लास्ट सीन कोई भी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।